तो अभी तक हमने बहुत से एवेंजर्स को देख लिया है, लेकिन क्या अपना ये लौंडा इतना पावरफुल है कि सबको अकेला निपटा दे? चलो देख लेते हैं आज। तो थोर के साथ जब उसका स्टॉर्म ब्रेकर मिलता है तो उसकी पावर नेक्स्ट लेवल तक हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सब एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर थोर को हरा सकते हैं। अब देखो, इस वीडियो को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि यहां पे जो भी एवेंजर्स हम बात करेंगे वो एमसीयू की करेंगे, यानी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। तो इसे कॉमिक से कंपेयर प्लीज मत करना। तो बेसिकली मैंने इस वीडियो को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, जहां पे हम पहले पार्ट में लीड सुपरहीरोज की बात करेंगे, सेकंड में मिड रेंज, थर्ड में पावरफुल एंड फोर्थ में मोस्ट पावरफुल। तो अब शुरू करते हैं यार। कैप्टन किशोर को थ्रो करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो सबसे पहले अपन लोग बात कर लेते हैं अपने लीस्ट एवेंजर की, यानी राउंड वन की। तो बेसिकली राउंड वन पे हमारे पास 4 एवेंजर्स है, रॉकेट, ड्रैक्स, हॉकआई एंड ब्लैक विडो। हालांकि रॉकेट को अगर मैं उसके साथ वेपन्स दे दूं तो मैं उसे और ऊपर कर सकता था, और ड्रैक्स को भी मैं कर सकता था, लेकिन मैंने इन्हें यहीं पे किया। तो बेसिकली अगर थॉर की इनके साथ कभी लड़ाई हो जाती है तो अगर ये साथ में भी आ जाए तो थॉर को नहीं हरा सकते, और ये सीधी सी बात है। थॉर अगर एक लाइटनिंग स्ट्राइक मारेगा तो चारों का खेल खत्म। राउंड टू की ओर बढ़ते हैं। तो मिड रेंज राउंड में भी हमारे पास बहुत से एवेंजर्स है, चाहे बात हो वास्प की, एंटमैन की, वॉर मशीन की, नेब्यूला की, गमोरा की, ग्रूट की, ब्लैक पैंथर की, बकी की, स्पाइडी की, फैल्कन की, या अपने जनरले की। तो अगर हम थॉर और एंटमैन की बात करते हैं तो भले ही एंटमैन जब मर्जी बड़ा हो जाए, लेकिन तब भी वो थॉर को नहीं हरा सकता, क्योंकि पहली बात की उसकी कुछ लिमिट भी होती है। इसके साथ साथ अगर एंटमैन छोटा भी हो तो वो थॉर की बॉडी के पास नहीं जा सकता, क्योंकि लौंडे के हर एक अंग में बिजली कड़कती है, हर एक अंग में, समझ रहे हो ना। और अगर ऐसा हो गया तो हमारे सामने दो ही रिजल्ट आएंगे, पहला कि थॉर की लाइटनिंग से एंटमैन के सूट की फटके 4 हो गई है, या एंटमैन की खुद ही फटके 4 हो गई है। और अगर एंटमैन बड़ा भी होता है, यानी अपनी जेंटमैन फॉर्म में भी होता है, तब भी थॉर उसे फाड़ के रख देगा, क्योंकि थॉर अपनी लाइटनिंग मैनिपुलेशन का यूज करेगा या फिर अपने स्टॉर्म ब्रेकर का, और बंदा खत्म। और अगर हम वास्प की बात करते हैं तो उसके साथ भी सेम ही सीन होगा। तो हम यहाँ पे ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए अपने अगले एवेंजर्स की ओर मूव ऑन करते हैं। तो अगर हम नेब्यूला या गमोरा की बात करते हैं तो ये दोनों ही भले ही ब्रह्मांड की बहुत ही पावरफुल वुमेन हो, लेकिन थॉर के आगे इनका पत्ता नहीं चलने वाला। तो अगर हम बकी, स्टार लॉर्ड या फिर फैल्कन की बात करते हैं तो थॉर इनसे कभी भी नहीं आने वाला। पहली बात की बकी के पास भले वाइब्रेनियम आम हो, लेकिन थॉर उसे अपनी लाइटनिंग से एक झटके में तबाह कर सकता है। और भले फैल्कन अब कैप्टन अमेरिका बन गया हो, लेकिन फैल्कन की भी कोई चांस नहीं है। इसके साथ साथ अगर हम अपने इस नल्ले की बात करते हैं तो स्टार लॉर्ड जितना नल्ला दिखता उतना है नहीं है, एलिमेंट ब्लास्टर है बंदे के पास। तो बेसिकली अगर ये अपने एलिमेंट ब्लास्टर्स का थॉर के ऊपर यूज करता है तो मुझे नहीं लगता उसके ऊपर कोई असर होने वाला है, और अगर हो भी जाता है तो थॉर के स्टॉर्म ब्रेकर के एक क्रिटिकल हिट से ही स्टार लॉर्ड का काम तमाम। तो अब बात करते हैं ग्रूट की। तो बेसिकली ग्रूट का नाम मैंने साथ में इसीलिए नहीं लिया क्योंकि ये बंदा पावरफुल है। बेसिकली ग्रूट के पास इतना कमाल का रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर है कि ये अपने छोटी सी डंडी से भी हील हो सकता है, जो हमने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में देखा ही है। तो बेसिकली अगर हम थॉर और ग्रूट का कंपैरिजन करते हैं तो थॉर ग्रूट को डेफिनेटली डिफीट कर देगा, लेकिन पूरी तरह कभी भी नहीं। अब देखो, थॉर का एक पावरफुल लाइटनिंग स्ट्राइक अगर ग्रूट के ऊपर गिरता है तो ग्रूट का काम तमाम उसी टाइम। लेकिन हाँ, उसका सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि वो परमानेंटली नहीं टपकने वाला, क्योंकि भले ही बाकी एवेंजर्स परमानेंटली टपक जाए, लेकिन ये बंदा नहीं टपक सकता। बंदा कहें या पेड़ कहें या कुछ और, तुम ही बता देना नीचे कमेंट्स में। तो बेसिकली थॉर का एक लाइटनिंग स्ट्राइक ग्रूट पे और ग्रूट का काम तमाम, लेकिन वो रीजनेटिव हीलिंग फैक्टर से कुछ सालों में रीजनेट हो जाएगा, लेकिन थॉर उसे फाड़ तो देगा ही। तो अगर हम अपने नेक्स्ट एवेंजर यानी स्पाइडी की बात करते हैं तो वो उसे थोड़ी बहुत टक्कर दे सकता है, सिर्फ हल्की फुल्की, वरना अगर थॉर अपना एक थंडर स्ट्राइक सीरियसली उसके ऊपर टपका देता है तो वो भी टपक गया, फिर भले उसने आयरन स्पाइडर आर्मर क्यों ना ही पहना हो। लेकिन अब तुम लोगों का एक डाउट रहेगा कि अवेंजर्स एंडगेम में आयरन मैन ने अपने आर्मर की मदद से थॉर की लाइनिंग को एब्जॉर्ब कर लिया था, और हमने ये सेम केस अवेंजर्स में भी देखा था, तो क्या स्पाइडर मैन अपने आयरन स्पाइडर से ऐसा नहीं कर सकता? तो बेसिकली हो सकता है वो कर सकता है, लेकिन थॉर के पास उसका स्टॉर्म ब्रेकर है, ये बात मत भूलना। और मैं तुम्हें बता दूं कि स्टॉर्म ब्रेकर मार्वल के सबसे पावरफुल मेटल उरू मेटल से बना है, उससे पावरफुल कोई नहीं, भले आयरन मैन कितना भी इवॉल्व हो जाए, इसलिए स्टॉर्म ब्रेकर फाड़ के रख देगा स्पाइडी की। आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं अपने ब्लैक पैंथर की। तो मैं तुम लोगों को एक बात क्लियर कर दूं कि ब्लैक पैंथर के साथ उसकी आर्मी को यहाँ पे हम ऐड नहीं करने वाले। बंदा हर जगह अपनी आर्मी को लेके नहीं घूमता यार। बेसिकली अगर हम ब्लैक पैंथर और थॉर का सिंपल कंपैरिजन करते हैं तो इसमें कोई डाउट नहीं कि थॉर ब्लैक पैंथर को हरा देगा। ब्लैक पैंथर का आर्मर भले बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, वकांडियन टेक्नोलॉजी से लैस हो, इसके अलावा बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी हो, लेकिन तब भी वो थॉर के आगे नहीं टिकने वाला। हाँ, भले ही अगर हम ब्लैक पैंथर को थोड़ा सा टाइम संभालने के लिए दे तो हो सकता है वो कुछ ऐसी चीज इन्वेंट कर दे जिससे वो थॉर की लाइटनिंग को एब्जॉर्ब कर ले,
लेकिन थोर के पास स्टॉर्म ब्रेकर है। और तुम हम पूरे जमाने को ये बात पता है कि वकानियन टेक्नोलॉजी मेनली वाइब्रेनियम का यूज करती है। और अगर हम उरु मेटल और वाइब्रेनियम का कंपैरिजन करें तो उसमें उरु मेटल वाइब्रेनियम को बीट कर देता है और स्टॉर्म ब्रेकर उरु से ही तो बना है, यानी अपना थोर ब्लैक पैंथर को भी फाड़ देगा। लेकिन अगर हम अपने थोर और वॉर मशीन की बात करते हैं तो वॉर मशीन इस लिस्ट का एक ऐसा कैंडिडेट है जो थोर को बहुत अच्छी टक्कर देने वाला है। तो वॉर मशीन के सूट में बहुत सी टेक्नोलॉजी है, आधी तो शायद उसे यूज करने भी नहीं आती होगी क्योंकि उसके सूट को टोनी ने बनाया है। लेकिन अगर हम फीट्स के बेसिस में देखें तो थोर लिटली वॉर मशीन से बहुत आगे है। तो सबसे पहले तो वॉर मशीन के नाम से ही पता चल रहा है कि आर्मर वॉर्स के लिए बनाया गया है, यानी इसमें मिसाइल्स तो बहुत ही ज्यादा हाई टेक होंगी ही। लेकिन क्या उन मिसाइल्स का थोर के ऊपर असर होगा? अब हो सकता है थोड़ा बहुत हो, लेकिन ज्यादा नहीं होगा क्योंकि बंदे ने पावर स्टोन के टच और न्यूट्रॉन स्टार के रेडिएशन को सहा है। तो इन मिसाइलों से इसे मुझे नहीं लगता ज्यादा फर्क पड़ने वाला है, और अगर थोड़ा बहुत पड़ता भी है तो ये अपनी लाइटनिंग से एक सेकंड में ही हील हो सकता है। और अगर ये वॉर मशीन के ऊपर अपनी लाइटनिंग का यूज करे तो हो सकता है उसका सूट खराब हो जाए। लेकिन अगर आयरन मैन ने इसके लिए भी ऐसा सूट इन्वेंट कर लिया हो जिससे ये लाइटनिंग को एब्जॉर्ब कर ले तो थोर को थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। बट द फैक्ट इज कि थोर इससे ज्यादा तेज फ्लाई कर सकता है, जो बात हमने इन्फिनिटी वॉर में देख ली थी। तो थोर वॉर मशीन से तेज फ्लाई कर सकता है, उसका एक्सपीरियंस तो गॉडली लेवल तक का है, गॉडी है क्योंकि वो। इसके साथ साथ अगर थोर वॉर मशीन के पास जरा भी पहुंच जाए तो अपने स्टॉर्म ब्रेकर के क्रिटिकल हिट से उसके आर्मर को बहुत ज्यादा डैमेज दे सकता है, क्योंकि थोर उसके पास तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा। और ये बात तय है कि बैटल में ऐसा होता ही है, और थोर ने 6 इन्फिनिटी स्टोन के रेडिएशन को डिफेंड करके रखा है। तो अगर वॉर मशीन अपने अटैक्स को करे तो थोर उन्हें इजिली डिफेंड कर लेगा अपने स्टॉर्म ब्रेकर से, यानी वॉर मशीन की दाल भी नहीं गलने वाली। तो अब हम बात कर लेते हैं कि अगर ये लेवल 2 के सुपर हीरो साथ में थोर से लड़ने आए तो क्या ये थोर को हरा पाएंगे? मुश्किल है मेरे अकॉर्डिंग, तुम बताओ बाकी। तो बेसिकली अब हम लेवल 3 के सुपर हीरोज की बात करते हैं, यानी अपने पावरफुल सुपर हीरोज की। तो यहाँ पे हमारे पास है हल्क, वर्दी कैप्टन अमेरिका, विजन, ब्लीडिंग अजाम, आयरन मैन एंड पेपर पॉट्स एंड वेलकरी। तो अगर हम अपने हल्क की बात करते हैं तो थोर और हल्क की फाइट हम ऑलरेडी देख चुके हैं। थोर का एक ही पंच टिक रहा था और हल्क का काम ऑलरेडी तमाम होने ही वाला था। और जब थोर के साथ उसका स्टॉर्म ब्रेकर मिल जाएगा तो हल्क की कहीं भी दाल नहीं गलने वाली। अगर हम अपने वर्दी कैप की बात करते हैं तो वो भी थोर के आगे नहीं टिकने वाला, क्योंकि अगर दोनों एक ही टाइम पे म्योनिर को कॉल भी करे तो वो थोर के पास जाएगा। इसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट बनाया है, ऊपर आई बटन में दिख रहा होगा, इस वीडियो को खत्म करने के बाद देखना यार। तो बेसिकली थोर अपनी लाइटनिंग पावर्स से कैप्टन को आराम से हरा सकता है। हालांकि एक और एडवांटेज है कि कैप्टन के पास भले थोर की लाइटनिंग पावर्स हो लेकिन उसकी फिजिकल पावर रद्दी भर भी नहीं है, यानी थोर की फिजिकल पावर्स कैप्टन के आगे बहुत ही ज्यादा है, जिस वजह से वो कैप्टन को इजीली डिफीट कर देगा। अगर हम विजन की बात करते हैं तो सबसे बड़ा मेजर फैक्टर है उसके एक्सपीरियंस का। हमने देखा था कि विजन की हर कोई मारा जा रहा था इन्फिनिटी वॉर में, यानी उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन थोर के पास 1500 साल का एक्सपीरियंस पड़ा है। इसके साथ साथ हमने देखा था कि वो 6 इन्फिनिटी स्टोन के रेडिएशन को काउंटर कर पाया था, तो 1 इन्फिनिटी स्टोन के रेडिएशन को काउंटर करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो हो सकता है कि विजन के ऊपर पीछे से अटैक किया था, साले पीछे से अटैक कर रहे थे, तो हो सकता है इस वजह से विजन अपनी पूरी पावर्स को यूज ना कर पाया हो। लेकिन तब भी अगर वो पूरी पावर्स के साथ आए तो थोर के आगे वो कुछ नहीं। बेसिकली माइंड स्टोन के ब्लास्ट को थोर इजिली सर्वाइव कर सकता है अपने स्टॉर्म ब्रेकर की हेल्प से, या काउंटर कर सकता है, और फिर थोर अपनी लाइटनिंग मैनिपुलेशन या अपने स्टॉर्म ब्रेकर से विजन को फाड़ सकता है। लेकिन विजन के पास उसकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि उसके पास फेजिंग एबिलिटी है, जिस एबिलिटी की मदद से उसके आर पार कोई भी अटैक नहीं जा सकता अगर वो उसे यूज करे। तो बेसिकली थोर और उसकी फाइट बहुत ही लंबी होगी, क्योंकि अगर वो बार बार उसे यूज करता रहा तो फाइट खत्म नहीं होगी। तो तुम्हें पहले बता दूं, विजन के बहुत से अटैक्स को थोर सरवाइव कर जाएगा और थोर अपने ठंडे से हील भी हो सकता है, तो ये फाइट लिटरली बहुत ज्यादा टाइम तक चलेगी। लेकिन फाइट में एक ऐसा मोड जरूर आएगा जहां पे थोर को एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पे वो विजन के ऊपर अटैक कर सके, और अगर उसने कर दिया तो विजन का काम भी तमाम। और अगर हम बात करते हैं अपने ब्लीडिंग अजाम आयरन मैन या अपने मार्क 85 आयरन मैन एंड नैनो टेक्नोलॉजी से बेस्ड पेपर पॉट्स की, तो थोर इन्हें भी डिफीट कर सकता है अपनी लाइटनिंग से, नहीं तो अपने स्टॉर्म ब्रेकर से। अब तुम लोगों ने यह बात साफ देखी है कि थोर की लाइटनिंग को टोनी अपने सूट में एब्जॉर्ब कर सकता है, जिस वजह से थोर की लाइटनिंग फीकी पड़ने वाली है। लेकिन क्या स्टॉर्म ब्रेकर फीका पड़ना है या रुक सकता है? बहुत ही टफ है। बेसिकली थोर का स्टॉर्म ब्रेकर टोनी को फाड़ के रख सकता है बीच से। अब भले ही नैनो टेक्नोलॉजी से बेस्ड इस आर्मर में इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी है कि ये फाइट को बहुत लंबा खींच सकता है, लेकिन मैक्सिमम अटैक्स का थोर के ऊपर असर नहीं होने वाला। और अगर होता भी है तो थोर अपने स्टॉर्म ब्रेकर से टोनी के पास पहुंच जाएगा, वो भी जल्द। और अगर ऐसा हो गया तो वो टोनी को फाड़ देगा, और अगर कुछ भी काम नहीं आया तो बाय फोर्स तो जिंदाबाद है ही है। तो बेसिकली ये टोनी एंड रेस्क्यू को भी फाड़ सकता है अपने स्टॉर्म ब्रेकर की हेल्प से। लेकिन इस पावरफुल लिस्ट में जो इसे सबसे तगड़ी टक्कर देगी वो और कोई नहीं बल्कि वेलकरी ही है।
अब देखो अगर वैल्करी के पास उसका पेगासस भी होता है तो वो लिटरली थॉर को बहुत तगड़ी टक्कर देने वाली है, क्योंकि पहली बात कि उसका एक्सपीरियंस थॉर से बहुत ज़्यादा है, इसके साथ साथ थॉर भी पहले वैल्करी बनना चाहता था, हालांकि सिर्फ वुमेंस होती है वैल्करी, और हाँ इसी तरह फीमेल पावर्स को भी दिखाना चाहिए। तो बेसिकली वैल्करी की एज ज़्यादा है, उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा है और उसके कॉम्बैक्ट एबिलिटी भी हल्क को टेक डाउन करने का पोटेंशियल रखती है। तो बेसिकली अगर वैल्करी इतनी स्ट्रॉन्ग है तो वो थॉर को बहुत अच्छी टक्कर देने वाली है। हालांकि अगर तुम लोग इस फाइट को खुद ही ध्यान से सोचोगे तो टील एंड थॉर इस बैटल को जीत जाएगा, या फिर अपनी लाइटनिंग एबिलिटी से या फिर अपने स्टॉर्म ब्रेकर से, लेकिन वैल्करी थॉर को सबसे लॉन्ग फाइट देने वाली है। अब एक और फैक्टर ये भी है कि इस लिस्ट में जो पहले करेक्टर थे वो टेक्नोलॉजी बेस्ड थे या उन्हें अपनी पावर एक्सीडेंटली मिली थी, लेकिन वैल्करी एक प्योर वॉरियर है जिसने इतने सालों तक ट्रेनिंग किया, तो वो थॉर को बहुत अच्छी टक्कर देने वाली है। लेकिन थॉर को हराने की बात ये नहीं होने वाला, और अगर थॉर हेला को इतना पावरफुल लाइटनिंग स्ट्राइक मार सकता है और इतने पावरफुल अगर ये वैल्करी को मारता है तो वैल्करी को बहुत डैमेज होने वाला है। हालांकि हेला का बाल भी खराब नहीं हुआ उससे, लेकिन हाँ ये थंडर स्ट्राइक वैल्करी के ऊपर अफेक्ट कर सकता है। हालांकि वैल्करी की स्वॉर्ड्स भी बहुत पावरफुल है जिन्होंने हेला के ऊपर इंपैक्ट दिखाया था, तो अगर हाँ अगर वो थॉर के ऊपर भी इन पावर्स का यूज करती है या इन स्वॉर्ड्स का यूज करती है तो उसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ने वाला है। लेकिन ये साला अपनी लाइटनिंग से ही अपने आप को हील कर सकता है, और अगर ये ऐसा कर लेता है तो वैल्करी इसको बहुत लंबी फाइट दे दे, लेकिन टील एंड थॉर उसे हरा देगा, क्योंकि ये जितने अटैक करे जाए थॉर अपनी लाइटनिंग से अपने आप को हील करता जाएगा। अगर लाइटनिंग से नहीं हो पाया तो स्टॉर्म ब्रेकर तो है ही है, अगर वो भी नहीं है तो हो सकता है म्योनीरी आ जाए, कोई वापस तो आ ही गया थॉर 1100 के टीजर में वो, तो यानी कि वैल्करी के बहुत से अटैक खारिज हो जाएंगे। और अगर थॉर की बात करते हैं तो थॉर एक दो लाइटनिंग मैनिपुलेशन करेगा और फिर अपने स्टॉर्म ब्रेकर से वैल्करी के पास जाके उसे हरा देगा, यानी वैल्करी भी थॉर के आगे टिकने नहीं वाली है भले ही वो उसे बहुत तगड़ी फाइट दे। लेकिन अगर हम बात करें कि ये लेवल 3 के सुपर हीरो मिल के अगर थॉर से लड़ते हैं तो क्या थॉर को हरा देंगे, तो इसका आंसर है यस। अब देखो थॉर इतना भी ओवर पावर्ड नहीं है कि ये सब मिल के भी नहीं हरा पाए, विजन, हल्क, वर्दी कैप, ब्लीडिंग एज आर्म, आयरन मैन, वैल्करी, यार खुद सोचो पावर लेवल हैं, सब छोटे मोटे हीरोस नहीं हैं। तो अब हम बात करते हैं अपने लेवल 4 की। लेवल 4 में हमारे पास सिर्फ 3 सुपर हीरोस हैं, क्योंकि पहले मैंने 4 रखे थे लेकिन एक उड़ा के नीचे कर दिया। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास है कैप्टन मार्वल, स्कारलेट विच एंड डॉक्टर स्ट्रेंज। तो पहले एक बात क्लियर कर दूं कि अगर ये तीनों मिल के आती है तो थॉर की फाड़ने वाले हैं, लेकिन अगर हम इनका एक एक करके कंपैरिजन करते हैं तो थॉर और कैप्टन मार्वल की फाइट का फुल ब्रेकडाउन मैं कर चुका हूँ, वीडियो पर आई बटन में है, 2 वीडियो की प्रमोशन हो गई, देखते हैं और बात बनती है। तो बेसिकली इस फाइट का रिजल्ट यही था कि थॉर ने कैप्टन मार्वल को हरा दिया था, बाकी वीडियो देख लेना। लेकिन अगर हम अपने थॉर और स्कारलेट विच की बात करते हैं तो ये बैटल डिफरेंट वेज या डिफरेंट पॉसिबिलिटीज में होगा। बेसिकली अगर वांडा इमोशनल होती है तो ये बैटल अलग होगा, अगर वांडा इमोशनल नहीं होती है तो थॉर उसकी फाड़ देगा। लेकिन अगर वांडा इमोशनल होती भी है तब भी थॉर के जीतने के ज़्यादा चांसेस है, बिकॉज वांडा की पावर्स भले ही सॉर्सरर सुप्रीम से ज़्यादा बताई गई हो लेकिन उसमें एक्सपीरियंस की कमी है जो थॉर में भर भर के पड़ी है। इसके साथ साथ वांडा का सेकंड सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है उसका ग्लास कैनन होना। अब ग्लास कैनन बेसिकली उन कैरेक्टर्स को कहा जाता है जिनकी ड्यूरेबिलिटी एकदम समझ जाओ खुद, मतलब थॉर अगर उसे टिका के अगर रफ्ता मारता है तो गई वो। लेकिन थॉर के पास उसको हराने का सिर्फ एक एडवांटेज है कि अगर थॉर उसे सबसे पहले अटैक कर दे, तो बेसिकली अगर थॉर ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करेगा और सोचेगा चलो वांडा को पहले अटैक करने देते हैं तो हो सकता है फिर वांडा थॉर को हरा दे, क्योंकि फिर वो थॉर को ब्लॉक कर सकती है थानोस की तरह। लेकिन तब भी थॉर के पास इतनी पावर तो है ही है कि वो अपनी लाइटनिंग मैनिपुलेशन से वांडा के ऊपर अटैक कर दे, लेकिन अगर वो ज्यादा देर करता है तो वांडा उसे डिफीट कर देगी। इसलिए अगर थॉर और वांडा की फाइट शुरू होती है तो थॉर ये फाइट एक सेकंड में खत्म कर सकता है अपनी लाइटनिंग एबिलिटी से। बेसिकली थॉर की लाइटनिंग एबिलिटी या तुम खुद सोचो नेचुरल लाइटनिंग की स्पीड कितनी ज्यादा होती है, ये होती है जो तुम्हें दिख रही है। बेसिकली अगर स्पीड इतनी ज्यादा हुई तो वांडा की मूवमेंट से पहले उसे बिजली लग जाएगी, काम खत्म। लेकिन अगर थॉर बहुत ही ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करता है, वांडा को पहला अटैक करने को बोलता है तो हो सकता है वांडा उसे हरा दे। अब मैं हो सकता है इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि थॉर के पास बाद में भी एडवांटेज बनेंगे, क्योंकि भले वांडा थॉर को अपनी रियलिटी में ट्रैप कर ले, उसके दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश कर ले, लेकिन क्या थॉर की लाइटनिंग ऐसा होने देगी? बेसिकली अगर थॉर की लाइटनिंग का एक भी झटका वांडा के ऊपर लगता है तो वो नॉकआउट। तो बेसिकली इस फाइट को अपन लोग ज़्यादा नहीं खींचेंगे, क्योंकि अगर थॉर इस फाइट को जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करता है मतलब एक सेकंड के अंदर, तो वो एक सेकंड में ही फाइट ख़त्म कर देगा। लेकिन अगर वो वांडा को अटैक करने को पहला मौका देता है, बेवकूफ़ी करता है, तो हो सकता है वांडा इस बैटल को जीते, लेकिन तब भी थॉर के लाइटनिंग एंड स्टॉर्म ब्रेकर उसकी हेल्प करेंगे। यानी इस बैटल में थॉर के 70% जीतने के चांस है, तो वहीं पर 30% वांडा के भी हैं, क्योंकि बंदी में पावर है। तो अब हमारे पास सिर्फ एक सुपर हीरो बचता है, और बिलीव मी कि ये सुपर हीरो थॉर को सबसे तगड़ी टक्कर देगा, और थॉर को हराने के चांसेस भी इसके ज्यादा हैं, यानी अपने डॉक्टर साहिब।
तो देखो, अगर थॉर को डॉक्टर स्ट्रेंज को हराना है तो उसे वांडा वाली टेक्निक का यूज करना पड़ेगा, मतलब एक सेकंड के कम टाइम में ही अपनी लाइटनिंग मैनिपुलेशन का यूज करना। लेकिन अगर थॉर ऐसा नहीं कर पाता है तो बिलीव मी डॉक्टर स्ट्रेंज थॉर को हरा देंगे। मतलब वांडा के तो चांसेस थे तब भी, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज डेफिनेटली हरा देंगे। अब वो बात में मैं तुम्हें बताता हूँ, बेसिकली थॉर के स्टॉर्म ब्रेकर का या फिर उसकी लाइटनिंग को डॉक्टर स्ट्रेंज डिटेक्ट कर लेंगे अगर वो एक सेकंड के अंदर अंदर अटैक नहीं करता है तो। मतलब ये बंदा बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। अगर ये फाइट थोड़ी देर तक लंबी चलती है तो उसे पता होगा कि थॉर लाइटनिंग मैनिपुलेशन का यूज करेगा, और अगर थॉर ऐसा करेगा तो वो पहले से ही प्रोटेक्टिव फील्ड बना के रखेगा। बंदा ऐसे ही सोर्सर सुप्रीम नहीं रहा है। इसके साथ साथ इसे मिनी गाउंटलेट का टाइटल मिला है क्योंकि इसने थानोस का ये हाल कर दिया था, और इसके पास हर एक सिचुएशन के लिए एक स्पेल होता ही होता है। तो बेसिकली थॉर इसे बस एक तरीके से हरा सकता है अगर ये इसके पास जाए तो, क्योंकि ये ग्लास कैनन करेक्टर है जो थॉर के नहीं थानोस के एक ही पंच से नॉकआउट हो गया था। गलती हो गई एक और, चलो कोई नहीं, लाइक मार दो इसी बात पे। तो देखो, इनकी फाइट का फिलहाल तो एक ही नतीजा निकल के आएगा और वो है डॉक्टर स्ट्रेंज, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी फाइनल अटैक यानी मिरर डायमेंशन को यूज कर सकते हैं, और अगर डॉक्टर स्ट्रेंज अपने मिरर डायमेंशन को यूज करने शुरू कर दे तो वो थोर को ऐसी डायमेंशन में कैद कर देंगे जहां से थोर बाहर नहीं निकल आएगा बिना स्ट्रेंज की परमिशन से, जिस वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज थोर की फाड़ देंगे उसी डायमेंशन में। खाना पीना नहीं देके भूखा ही मर जाएगा बेचारा वहीं पे वो। तो ओवरऑल मैं कहूँ तो अगर थॉर इस बैटल के शुरू होते ही अगर डॉक्टर स्ट्रेंज पे एक स्ट्राइक मारता है तो डॉक्टर स्ट्रेंज नॉकआउट डेफिनेटली होने वाले हैं, क्योंकि उस टाइम डॉक्टर स्ट्रेंज अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पा रहे होंगे या प्रिपेयर नहीं होंगे। लेकिन अगर थॉर इस फाइट को लंबा खींचता है या डॉक्टर स्ट्रेंज खुद इस फाइट को लंबा खींचने की कोशिश करते हैं तो स्ट्रेंज को ये बात पता होगी कि थॉर एक ना एक बार लाइटनिंग मैनिपुलेशन का यूज़ करेगा, और अगर थॉर ऐसा करेगा तो वो पहले से ही तैयार रहेंगे, प्रोटेक्टिव फील्ड्स तैयार करके रहेंगे। मतलब खुद समझ जाओ कि अगर ये फाइट लॉन्ग होने के चांसेस बने तो डॉक्टर स्ट्रेंज के चांसेस ज्यादा है। लेकिन अगर वहीं पे हम बात करते हैं अपने शॉर्ट बैटल की, मतलब अगर थॉर फटाफट से अपनी लाइटनिंग मैनिपुलेशन का यूज कर दे तो वो डॉक्टर स्ट्रेंज को डेफिनेटली डिफीट कर सकता है, लेकिन तब भी इस बैटल के लॉन्ग होने के चांसेस ही ज्यादा है। और अगर ये बैटल लॉन्ग होता है तो स्ट्रेंज, यस डॉक्टर स्ट्रेंज थॉर को डिफीट कर देंगे। तो यानी कि अपने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में सिर्फ एक ऐसा सुपर हीरो है जो थॉर को सबसे तगड़ी टक्कर देगा और डिफीट भी कर सकता है, वो है डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज। तो बेसिकली इस तरह से हमारा वीडियो खत्म होता है। तुम लोगों को क्या लगता है कि ऐसा कौन सा सुपर हीरो है जो थॉर को हरा सकता है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में, कमेंट में बता देना। वो तो ये था कंप्लीट वीडियो जहाँ पे हमने थॉर वर्सेस एवेंजर्स का कंपैरिजन किया। उम्मीद है तुम लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ठोक के जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर ऑन कर देना। एंड नाउ फॉरगेट टू शो सुपर स्टूडियोज एंड यू ऑल आर सुपर हीरोज 10 सो असिस्टेंट असेंबल्ड।